हेलो, मैं हूं करण बजाज और आज डिस्कस करेंगे कि कैसे इमिजिएटली अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करें अगर आप वो हासिल नहीं कर पा रहे जो आप करना चाहते हैं। दोस्तों, अगर मैं अपने लास्ट 20 इयर्स देखूं और देखूं कि सबसे ज्यादा ट्रांसफॉर्मेटिव इयर्स उनमें से क्या रहे हैं, तो एक प्रिंसिपल हमेशा सामने आता है। वो सालों जिसमें मैंने कुछ बनाया है, कुछ क्रिएट करा है, कई साल वो मेरी नॉवेल्स रही हैं, कभी एक टीवी चैनल रहा है, कभी अपनी कंपनी रही है व्हाइट हैट जूनियर, हर वो साल जिसमें मैंने कुछ बनाया है, कुछ क्रिएट करा है, उस साल में मेरी लाइफ पक्का फुल्ली ट्रांसफॉर्म हुई है। एंड ये ज़रूरी नहीं है कि वो सक्सेस रहा या फेलियर रहा। मेरी दूसरी नॉवल जॉनी गॉन डाउन काफ़ी सक्सेसफुल थी, मेरी तीसरी नॉवल द सीकर बिल्कुल अच्छा नहीं करा उसने, पर जिस भी साल मैंने कुछ बनाया है उस साल में मेरी लाइफ ट्रांसफॉर्म हुई है। तो अगर मेरा एक आपके पास एडवाइस है कि आप अपना लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं इमिजिएटली, तो कुछ क्रिएट करिए, कुछ बनाइए और इमिजिएटली क्रिएट करिए और इमिजिएटली बनाइए। वो कुछ बहुत छोटा हो सकता है, चाहे एक ब्लॉग हो या एक यूट्यूब चैनल हो या कोई बड़ा एंडेवर हो सकता है, अपनी बुक लिखना या अपनी कंपनी बनाना। जो भी करिए, बस ये तीन प्रिंसिपल याद रखिए। अपना कुछ बनाइए, कुछ क्रिएट करिए फर्स्ट। सेकेंड, इट शुड बी टैंजिबल एंड इन द पब्लिक डोमेन, कुछ ऐसा होना चाहिए कि लोग देख सकें। एंड तीसरा, आप शो अप करके वो कंप्लीट कर रहे हैं। तो मानिए आपने एक ब्लॉग बनाने का सोचा है, तो आप बाकी सब की तरह एक ब्लॉग पोस्ट लिख कर छोड़ नहीं देते। आप वो ब्लॉग को हर रोज़ पोस्ट करते रहते हैं या हर कुछ दिनों में पोस्ट करते रहते हैं और हर रोज़ आप शो अप करके वो काम करते रहते हैं। बस ये तीन प्रिंसिपल अगर आप करें, मैं गारंटी दे सकता हूँ कि आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। तो ऐसा क्यों होता है कि आप कोई क्रिएटिव प्रोजेक्ट करते हो तो लाइफ धीरे से एकदम ट्रांसफॉर्म हो जाती है? वो इसलिए कि जब भी आप एक क्रिएटिव प्रोजेक्ट करते हो, छोटा या बड़ा, तो आपकी जो भी थॉट्स, आइडियाज़, लाइफ की लर्निंग्स हैं, वो उस प्रोजेक्ट के अंदर पूरी तरह चली जाती हैं। तो अगर आपने एक ब्लॉग स्टार्ट करा या एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट करा या अपनी बुक लिखी, जो भी आप लाइफ के बारे में जानोगे आप सब उस प्रोजेक्ट के अंदर डाल दोगे। एंड फिर आप जब दोबारा एक प्रोजेक्ट करने निकलते हो तो आपको रियलाइज़ होता है कि आपको बहुत सी नई चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, क्योंकि आपका जो क्रिएटिव वेल है, जो वेल है ये सारे थॉट्स एंड आइडियाज़ का, वो एक तरीके से एकदम ड्राई हो गया है और आपको दोबारा एक इंस्टिंक्ट आता है कि उसको भरना होगा। एंड आप रीड करोगे और ट्रैवल करोगे, एंड इसको क्यूरियोसिटी कहते हैं। आपके अंदर वो क्यूरियोसिटी आता है नई नई चीज़ें सीखने का, ताकि आप दोबारा नई चीज़ें सीख के कुछ नया बना सको। एंड वो एक सिलसिला सा स्टार्ट हो जाता है, नई चीज़ें सीखो, कुछ नया बनाओ, और उसमें ट्रिमेंडस ग्रोथ, ट्रिमेंडस ट्रांसफॉर्मेशन होता है और लाइफ बदल जाती है। मेरे साथ भी एग्जैक्टली यही हुआ था। जब मेरा पहला क्रिएटिव प्रोजेक्ट था कीप ऑफ द ग्रास, मेरी नॉवल, बिना उम्मीद के मैं काम के बाद एक घंटा थोड़ा कुछ कुछ लिखता रहता था। फिर एक साल लिखता रहा, वो बुक बन गई, पब्लिश करने के लिए भेजा, ज़्यादा उम्मीद नहीं थी बट पब्लिश हो गई। पर उसके बाद जब मैंने अपना दूसरा बुक स्टार्ट करा, तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं सेम आइडियाज़ दोबारा से रीसर्कुलेट कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास कुछ नया कहने के लिए नहीं है। तो फिर एक काफ़ी चेंज आया लाइफ में, मैंने नई चीज़ें पढ़ना स्टार्ट करा, फिर से ट्रैवल करना स्टार्ट करा और फिर एक दूसरा नॉवल लिखा। फिर एक सिलसिला सा बन गया कि हर बार कुछ नया क्रिएटिव प्रोजेक्ट करने के लिए मैं न्यू एक्सपीरियंसेस ढूंढता था, एंड उससे मैं और क्यूरियस होता गया और ग्रो करता गया एज अ पर्सन। मेरे नॉवल्स की वजह से मुझे चांस मिला डिस्कवरी चैनल में CEO बनने का, वहाँ पे टीवी चैनल लॉन्च करे, फिर उसके बाद कॉन्फिडेंस मिला अपनी खुद की कंपनी बनाने का और वो व्हाइट हैट जूनियर अपनी कंपनी बनाई। और वो सब स्टार्ट हुआ बस वो एक घंटा जब मैंने अपना पहला नॉवल लिखा, काम के बाद बस एक घंटा। सो ऑल यू नीड इज़ दैट 1 आवर जिसके अंदर आप कुछ बनाएं, कुछ क्रिएट करें, एंड स्लोली यू विल सी दैट योर लाइफ विल ट्रांसफॉर्म कम्प्लीटली। क्या आपके लिए एडवाइस यूजफुल थी? आप क्या क्रिएट करेंगे, मैं बहुत क्यूरियस हूँ जानने के लिए। डू ड्रॉप मी अ नोट इन द कॉमेंट्स, आई रीड एवरी कॉमेंट। दिस इज करण बजाज एंड आई लुक फॉरवर्ड टू सीइंग यू इन द नेक्स्ट वीडियो।